तो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू यू ऑन और ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट्स एज यू नो नए डे के साथ हमें जो सलेबस जो अपना टाइम टेबल है उसके हिसाब से हमने जो न्यू सलेबस स्टार्ट किया है उसके अंदर जहाँ तक आपको भी पता हो मुझे ये पता है कि हमने सब्जेक्शन का जो वेडिजन सब्जेक्शन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर सब्टशन हमारा हो गया था कम्प्लीट है ना तो सब्टेक्शन के अंदर ये सब में थोड़ा सा पेंडिंग था वैसे जैसे मैं बता दूँ आपको ऊपर का क्वेश्चन हो गया था क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमारा हो गया था है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमें करना था है ना और मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी आप न्यू क्लास के अंदर अगर आते हो वापस स्टार्ट करते हैं हम तो एक बार जो पुरानी क्लास है उसको एक बार आप जरूर देख आए नहीं तो फिर क्या आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि सब जो अपना पिछला लेसन था जो मैंने वर्क करवाया था ज़्यादा नहीं उसको एक बार फोर फाइव मिनट्स देख लो कि पीछे वाले टर्न के अंदर हमने क्या पढ़ा था क्योंकि देखो बीच में फ्राइडे आ जाता है फिर सैटरडे फिर संडे थ्री डेज़ का जो है ना गेप वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जो प्रॉपरली जो क्लासेज वगैरह है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो फिर आप थोड़ा सा मैनेज करें और ज़्यादा नहीं फोर फाइव मिनट्स में आप इजिली देख सकते हो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था ठीक है ताकि वो क्या आगे का फिर कनेक्ट हो जाएगा क्या आज हमें मैं ये पढ़ना है हमने लास्ट क्लास का अंदर ये पढ़ा है ठीक है तो देखिए नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट आज इसका तो देखो जैसे मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बीच में छुड़ाए है भी हैं और छुड़ाए है इसलिए हैं ताकि इस चैप्टर के पास हमें आपको क्वेश्चन करवाने के लिए एक बार वापस आना पड़े जब भी अपनी क्लासेस वगैरह प्रॉपर से रिंग से लगेगी तो ये एडिशन में भी क्वेश्चन आया था फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सर्कल ये मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं करवाऊँगा है ना थोड़ा सा बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं तो मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ और ये सब्जेक्ट्स में भी मैं यही कर रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये आपको मैं क्लास के अंदर करवाऊँगा इससे क्या होगा इससे आपका डबल प्रॉफिट ये होगा कि ये चैप्टर पूरा नहीं होगा तो एक बार आपको ये चैप्टर के अंदर जो बेसिक है ना वो आपको वापस पढ़ाएंगे हम स्कूल के अंदर ठीक है तो ये क्वेश्चन तो वहाँ पर भी करना ही है और बाकी जो क्वेश्चन जो ईजिली हम कर सकते हैं है ना ऑनलाइन क्लासेज के अंदर थोड़ी सी फैसिलिटी वगैरह जैसे कि आप मेरे सामने नहीं हो है ना वाइट बोर्ड वगैरह नहीं है तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको तो इसलिए ये बीच में से क्वेश्चन है ना ये मैं थोड़ा सा बीच में से ड्रॉप कर रहा हूँ ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपको भी नहीं करना है ठीक है छोड़ना छोड़ेंगे हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं मैं आपको एडिशनल ही पढ़ूँगा आपकी जो क्लास है ना इससे रिलेटेड ही आपको एडवांस के अंदर आपका लेवल और ज़्यादा अच्छा करेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं कि सर ने छोड़ दिया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्जन हो सकता है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ ठीक है हम करते हैं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स है ना ये इजी क्वेश्चन है ये आपसे इजीली हो भी जाएगा तो देखिए इसमें हमने पहले पढ़ा था एडिशन है ना एडिशन के बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं सबरेक्शन तो सब्डेक्शन में हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है नंबर थर्ड हमने किया नहीं नंबर फोर्थ आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स अब फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या हो रहा है जैसे यहाँ पर यह है ना जो ब्लैंक देव है ना ये आपको बताना नहीं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए ठीक है तो देखिए ये इतना तो सबको इतना तो मेरे हिसाब से सबको पता ही है लास्ट क्लास के अंदर जहाँ तक आपने पढ़ा है मेरे पास ट्वेंटी फाइव लिखा हुआ है जैसे मैं ट्वेंटी फाइव में से जीरो को माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा ट्वेंटी फाइव ही आएगा आंसर क्या आएगा इसका ट्वेंटी फाइव ही आएगा ठीक है तो इससे हम ये कह सकते हैं वैन वी मल्टेन वी सब्टेक्ट ज़ीरो फ्रॉम अ नंबर देन आंसर विल बी नोट चेंज मतलब इसका ये है अगर मैं किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा वो नंबर ही वापस एज इट इज़ आएगा है ना यानी कि देखो ज़ीरो का मतलब क्या होता है ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं अगर मैंने उसमें से कुछ माइनस किया ही नहीं है तो वो नंबर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर भी देखो ये क्या कर रहा है इसमें से ज़ीरो को माइनस कर रहा है तो आंसर वापस क्या आएगा सेम टू सेम सेवेंटी एट लैक फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर थर्टी टू ठीक है तो ये जो है ना ये सेम टू सेम यहाँ पर वापस फर्स्ट वाले ब्लैंक के अंदर आ जाएगा ओके तो ये तो ईजी है वैसे हो गया होगा आप आराम से अब नेक्स्ट देखिए आप इसका नेक्स्ट वाला इसके अंदर क्या करना है इसके अंदर ये कर रहा है माइनस वन कर रहा है अब आप मेरी बात सुनो जैसे मेरे पास नंबर लिखा है टू सिक्स एट फोर थ्री मैं इसमें से माइनस वन कर रहा हूँ अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूँगा तो देखिए टू सिक्स एट फोर थ्री और मैं वन करूँगा माइनस यहाँ से है ना तो देखो इसके आगे तो कोई नंबर लिखा हुआ है नहीं तो ये तो सारे जीरो ज़ीरो हम लिखते हैं इस वाले प्लेस को फ़िल करने के लिए थ्री माइनस वन क्या आएगा टू तो बाकी ये सारे जीरो माइनस ये सारे के सारे सेम आएंगे ना मैं तो ओनली वन ही माइनस कर रहा हूँ ना तो वन माइनस हो रहा तो ओनली इससे माइनस होगा आगे वाले नंबर तो सेम टू सेम आएंगे तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है यहाँ पर ये वन ही माइनस कर रहा है तो अगर ये वन माइनस कर रहा है तो ये क्या है ये क्या बताता है ये एट होता है है ना ये जो है ना ये एट है और माइनस क्या कर रहे हैं वन तो पीछे क्या आ जाएगा सेवन यानी कि पीछे तो सेवन आएगा आगे वाले जो नंबर है ना ये एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पर वापस आ जाएंगे ये नंबर है ही क्या मैं आपको ये भी बता दूँ सबसे पहले लिखा है सिक्स फिर लिखा है फाइव फिर लिखा है थ्री फिर लिखा है टू फिर लिखा है फोर फिर लिखा है नाइन और फिर लिखा है एट इसमें से उसने माइनस वन किया है ठीक है तो पता आपको ये सेम आएगा ये, ये भी सेम 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 और ये एट माइनस वन क्या हो जाएगा सेवन तो ये जो है ना ये यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ये भी ईजी है है ना माइनस वन माइनस वन करना कोई बड़ी बात थोड़ी है तो हम आराम से कर सकते हैं ओके तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अब देखना आप यहाँ पर मेरे पास लिखा है टू थर्टी फाइव लिखा है मैंने इसमें से कुछ माइनस किया है और जो भी मैंने माइनस किया ना माइनस करने के बाद में मेरा आंसर ज़ीरो आ रहा है आपको बताना ना ये जो बड़ा बड़ा सर्कल बनाया है मैंने यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए देखो टू थर्टी फाइव में से कुछ माइनस किया है और आंसर क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है एग्जाम्पल आप ऐसे समझो आपके पास हंड्रेड रुपीज़ था है ना आपने हंड्रेड रुपीज़ का क्या किया आपके पास हंड्रेड रुपीज़ था आपके गवर्नर ने बोला कि बेटा हंड्रेड रुपीज़ मतलब हमारा कोई अर्जेंट वर्क है तो बाद में वापस लेना ठीक है हमारे पास अभी हंड्रेड का चेंज है नहीं जो भी है हंड्रेड का नोट नहीं है कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई होगी तो आपने बोला ठीक है मैं आपको हंड्रेड रुपीज़ दे देता हूँ दे, दे दे जो भी है आपने हंड्रेड रुपीज़ उनको दे दिए ठीक है अब आपके पास हंड्रेड भी थे आपने हंड्रेड के हंड्रेड सारे उनको दे दिए तो अब आपके पास क्या बचेगा जीरो है ना तो वही तो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पर यह क्या कर रहा है टू थर्टी फाइव में से अब उसके पास जीरो है इसका मतलब उसने क्या किया टू थर्टी फाइव क्या कर दिए माइनस कर दिए है ना कंप्लीट जितने थे तो जितने टोटल उसके पास थे उतना ही अगर उसने माइनस कर दिया तो आंसर क्या बचेगा जीरो बचेगा है ना तो इस इसके बेस्ड इस क्वेश्चन को देखो आप इसमें ये क्या कर रहा है ये नंबर लिखा हुआ है इसमें से कुछ माइनस किया और आंसर जीरो आ गया ज़ीरो कब आएगा जब ये पूरा का पूरा जो नंबर है ना ये जो भी था ये अमाउंट रुपीज़ वगैरह जो भी थे ये पूरे में इसमें से क्या हो गई ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया तो इसमें से अगर हम इतना ही माइनस करेंगे ना तो भी ज़ीरो आएगा तो यहाँ पर भी से क्या ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सिक्स फाइव फाइव टू एंड ज़ीरो सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी में से अगर मैं सिक्सटी फाइव फाइव ट्वेंटी माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा ज़ीरो आएगा है ना तो ये आपको ध्यान रखना है इसका तो यहाँ पर क्या आएगा इस वाले ये ना जो मैं जहाँ पर मैं ये ड्रो कर रहा हूँ ये कहाँ पे आएगा ये यहाँ पे आएगा है ना तो ये हो जाएगा अपना सेम टू सेम ओके तो ये भी समझ में आ गया आपको नेक्स्ट देखिए आप इसका नंबर इसका जो डी है उसमें देखिए ये भी वैसे बहुत ईजी है इजीले सर में जाएगा आपको यहाँ पर लिखा है सिक्स लेख सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव आपको ये नंबर्स के नेम जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सिक्स लेख सेवेंटी एट थाउजेंड यह भैया अभी तक आपको करवाई नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये सारा आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कैसे सिक्स लेख हो रहा है कैसे सेवनटी एट थाउजेंड हो रहा है ठीक है ना तो ये सारा आपका एक चैप्टर आया हुआ है उसके अंदर पूरा डिटेल से बताएंगे ओके अब यहाँ पर आप देखिए इस नंबर में से यहाँ पर माइनस किया है ना कुछ माइनस किया और आंसर क्या आ रहा है तो कुछ सेम टू सेम आंसर आ रहा है सेम माइनस भी किया है और सेम टू सेम भी आंसर आया ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कब जब आप इसमें से क्या माइनस करो आप इसमें से जीरो माइनस करो है ना क्योंकि देखो किसी नंबर में से अगर हम जीरो माइनस करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता है ये मैंने आपको इसका तो फर्स्ट है ना उसके अंदर मैंने आपको बताया था जैसे देखो ये रहा है ना वन वी सब्टेक्ट ज़ीरो फ्रॉम ए नंबर देन आंसर विल बी नॉट चेंज ओके तो ए हो गया इसका बी हो गया सी हो गया डी हो गया तो मैंने सारे करवा दिए ये फिलहाल देखो आप लोग है ना अभी तक है ना काफ़ी बच्चों के वर्क के अंदर इश्यू आ रहा है सारे टीचर्स ने मिलकर अपने जो लास्ट क्लास थी यानी कि सैटरडे को जो क्लास थी सैटरडे तक का सारा वर्क अगर आपको देखना है कंप्लीट, तो आपके ग्रुप के अंदर पी फाइल बना के सारे टीचर्स ने सेंड कर दिया है ठीक है कौन सा सब्जेक्ट में कितना वर्क करवाया है अब काफ़ी बच्चों ने अभी तक फेड नोटबुक नहीं ली है तो बेटा फिर आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे थोड़ा जल्दी करें फिर नोटबुक लेकर आप लोग जल्दी से उसको कंप्लीट करने की ट्राई करें ठीक है कितने क्या पेज छोड़ने हैं कितना वर्क करवा दिया वो सारा उस पीडीएफ फाइल के अंदर सारा समझाया हुआ है साथ में नोटबुक्स भी कैसे लेनी है कौन सी नोटबुक्स है कितने सब्जेक्ट हैं सारे उसमें लिखे हुए हैं ठीक है तो एक बार आप देखना सैटरडे को इवनिंग के टाइम है ना सारे टीचर्स ने ग्रुप के अंदर पी सेंड की है अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वहाँ से देख सकता है और वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का अभी तक वर्क फेयर के अंदर साथ में नहीं चल रहा है जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है लेट वो नोटबुक वगैरह लेके आए हैं ठीक है तो उनके लिए हमने ये यहाँ किया है तो आप भी थोड़ा सा इसको मैनेज करें और उनको बताएं आपके अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है जिन्होंने फेयर में नहीं किया ना कैसे सर हमें तो दिक्कत आ रही है कि पता नहीं क्या क्या, क्या करवा दिया तो वो एज़ एट इज़ देख के कॉपी करने वाला काम आप उसमें से कर सकते हो समझना है तो वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे ठीक है आप उसमें से वापस पढ़ भी सकते हो है ना ऑनलाइन क्लास का ये सबसे अच्छा फ़ायदा है जैसे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना ये सारा आपके पास हमेशा रहेगा ठीक है आप चाहिए इसको कितने बार देखो ठीक है ये क्लास एक बार समय नहीं आप इसको एक बार हो वापस देख लो ठीक है तो आप ऐसा भी ये प्लस पॉइंट भी है इसका ठीक है तो देखिए इसमें से ये अपना फोर्थ हो गया कंप्लीट नंबर फिफ्थ देखिए आप इसका फिफ्थ तो वाला क्वेश्चन अच्छा है देखो तो लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ज़रूरी है ठीक है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझा तो एक बार यस देखिए क्या लिखा है वार्ड शुड बी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम ये लिखा है आपके वन करोड़ वन करोड़ टू गेट एटी फोर नाइन एटी फोर लेक नाइन्टी थ्री थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स यानी कि क्वेश्चन में ये लिखा है वार्ड शुड बी सब्ट यानी कि क्या माइनस करें क्या लिखा है इसका मतलब क्या इस वाले सेंडर का मतलब है क्या माइनस करना चाहिए या क्या माइनस करें किस में से वन करोड़ में से ताकि क्या हो टू गेट गेट का मतलब हमारा आंसर मिले क्या मिलना चाहिए एट्टी फोर थाउजेंड एटी फोर लेग नाइन्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स किसी को समझ में नहीं आया होगा अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से सुनो मेरी बात जैसे देखिए मेरे पास लिखा हुआ है हंड्रेड रुपीज़ ठीक है हंड्रेड रुपीज़ थे मेरे पास और हुआ क्या हंड्रेड रुपीज़ क्या हुआ मुझे इसमें से कुछ माइनस करना है अब माइनस क्या करना है वो देखना वो मुझे पता ही नहीं अभी ना मैं इसको ब्लैंक से बना कर छोड़ रहा हूँ और मेरे पास जो आंसर बच रहा है मेरे पास जो लास्ट में बच रहा है ना वो बच रहा है ट्वेंटी कितना बच रहा है मेरे पास ट्वेंटी ही बच रहा है यानी मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ थे मैंने मैंने हंड्रेड में से कुछ माइनस कर दिए और माइनस करने के बाद में मेरे पास क्या आ रहा है आंसर ट्वेंटी आ रहा है तो हंड्रेड में से ट्वेंटी मेरे पास है तो जो मैंने माइनस किया ना वो कितना है क्या बहुत ईजी है ये तो एटी है है ना तो एटी तो है लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे एटी आएगा तो इसके लिए क्या करना होता है अगर देखो कभी भी माइनस करते हैं ना जैसे लिखा है हंड्रेड में से मैंने एट्टी को माइनस किया आंसर ट्वेंटी आ गया तो अगर आपको ये या ये, ये इन दोनों में से कभी भी एक फाइंड करना होता है ना तो हंड्रेड में से माइनस कर दो कैसे जैसे दो मैं समझाता हूँ अगर मैं हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस करूँगा तो क्या आएगा आंसर एटी देखो बीस वाला आ गया है ना अगर हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस करूँगा तो बीस वाला आंसर मिल जाएगा और अगर मैं हंड्रेड में से एट्टी माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा जैसे देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ जैसे ज्ञान लिखा है ट्वेल्व ट्वेल्व में से माइनस किया फ़ोर आंसर क्या आएगा एट अब आप देखो अगर मैं ट्वेल्व में से फोर माइनस कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है है ना और अगर मुझे ये पता ही नहीं कि यहाँ पर कितना लिखा है यहाँ ना मुझे पता ही नहीं है मान लो ये ना ये फ़ोर मुझे पता ही नहीं था और मुझे पता कि आप बीच में क्या आना चाहिए था तो मैं ट्वेल्व में से क्या कर दूँगा एट को माइनस कर दूँगा यानी माइनस आपको करना माइनस ही है एक बार अगर आपको ये पूछा है तो इसको माइनस कर दो ये पूछा है तो इसको माइनस कर दो ठीक है आप क्या हो जाएगा कि सर कन्फ्यूज हो गए हम तो पता नहीं क्या किसको क्या माइनस करना है आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक नंबर ये लिखा हुआ है एक नंबर ये लिखा हुआ है ठीक है जो नंबर बड़ा है ना जो नंबर ग्रेटर है जो जो नंबर लार्जर है बड़े नंबर में से क्या करना है स्मॉल नंबर को क्या करना है माइनस करना है ठीक है मैंने क्वेश्चंस का एग्जांपल भी देकर बता दिया और क्वेश्चंस भी बता दिया थोड़े से नंबर बड़े हैं तो इसको देखो हम थोड़ा सा डिटेल से कर लेंगे और ठीक है तो देखो यानी कि सीधा कंसेप्ट है इसमें से इसको माइनस करना है और एडिशन में सारे हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन आए थे तो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें सब करना माइनस करना है ठीक है और वैसे लिखा हुआ भी है वाट शुड बी सब्टेक्टेड कि इसमें से कितना माइनस करें ताकि आंसर मुझे ये मिले तो इस कंडीशन को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा अब देखो हम इसका फ़ाइंड करते हैं आंसर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्या नंबर ना हमें इजीली दिख जाए ना ये दो नंबर है मेरे पास है ना देखिए होगा क्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वन करोड़ ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये लिख दिया मैंने अब अभी इसके नीचे आएगा है ना तो इसके नीचे देखो कैसे करेंगे हम सिक्स फोर सेवन थ्री नाइन फोर एंड एट ठीक है इसको सोल्व करना है इसको सोल्व है हैं मैं क्या मिल जाएगा हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पर जीरो लगा सकते हो अगर हमारे पास स्पेस खाली है तो अब देखो इसमें ना वही बात है जीरो में से तो सिक्स माइनस होता नहीं है तो क्या करेंगे पास वाले से बुरो पास पर तो खुद ज़ीरो है तो इसके पास भी कुछ नहीं है ये आगे वाले के पास जाएगा इसके पास भी कुछ नहीं है ये आगे वाले के पास गया इसके पास भी कुछ नहीं है ये आगे वाले के पास गया इसके पास भी कुछ नहीं है ये इसके पास इसके पास भी नहीं है इसके पास इसके पास भी नहीं है तो लास्ट में जाएंगे लास्ट वाले के पास लास्ट वाले के पास क्या है वन तो ये वन क्या करेगा ये वन है ना इसको देगा इसको तो ये क्या बनेगा टेन वन इस वन क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और इसको क्या बना देगा टेन ये जो टेन है ना ये बनेगा नाइन और इसको क्या दे देगा पास वाले को वन ये टेन क्या करेगा खुद बनेगा नाइन आगे वाले को दे देगा वन ये बनेगा टेन तो ये जो टेन बना है वापसी आगे आगे चलते जाएंगे ऐसे ना ये सारे टेन नाइन ये ना ये टेन था ये नाइन बनेगा वापस इसको टेन बनाएगा ये नाइन ये टेन और देखो ये लास्ट वाला है ना लास्ट वाला पीछे वाले किसी को देगा ही नहीं तो लास्ट वाला टेन ही रहेगा और इसके देखो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तो इसको तो किसी को देना है नहीं ये टेन से नाइन क्यों बना क्योंकि इसने इसको वन आगे वाले को दिया था है ना ये वाला ये वाला जो है जैसे ये जो है ना ये वाला नाइन टेन से नाइन क्यों बना क्योंकि इसने पास वाले को दिया था ये ना आगे से आगे से ना इसे वन बाई वन आगे वन 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 ऐसे आगे ना पास करते गए वन वन आगे देते गए लास्ट वाला क्यों नहीं बनना क्योंकि इसके पास आगे कोई लेने वाला है ही नहीं ठीक है तो फिर इसको हमें क्या करना है देखो मैं इसको वापस लिख दूँ ठीक है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था वो तो ठीक है इसको इसमें से इसको माइनस करना है ओके तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन राइट तो ये बीच में जो आ गया इसको इरेज कर देता है ओके सेवन फोर्टी सिक्स हो गया थ्री नाइन फोर और एट ये माइनस करना है है ना ये सारे बन गए थे ये टेन बना था ये नाइन ये भी 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 नाइन ये, ये, ये वन से क्या बनना था ज़ीरो अब तो सोलह हो जाएगा टेन माइनस फोर टेन माइनस सिक्स फोर नाइन माइनस फाइव ये कितना जाएगा टू सिक्स ज़ीरो फाइव वन एंड ज़ीरो हमारा आंसर क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा ये ठीक है तो सबरेक्शन अगर आपको सर में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको वापस देखना ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं सारे अगर ज़ीरो ज़ीरो है ना तो जीरो के पास तो कुछ है नहीं तो ये सबसे लास्ट वाले के पास इसके पास गए फिर इसने इसको बंद दिया 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 ऐसे ना ये वन आगे से आगे गया आगे यहाँ तक देते गए ना तो ये ऊपर टेन से नाइन टेन से नाइन ये ना टेन था अगर टेन आगे वन देगा तो उसके पास वन कम होगा ना इसलिए वो नाइन बन जाएगा ठीक है तो इसके अंदर आप देखिए अगर मैं आपको लिखे बता दूंगा कैसे क्या करना है इसका ठीक है तो देखिए आज के लिए काफ़ी है काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आगे वाले में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ही है वैसे जैसे मैं बता दूँ आपको ये इस टाइप का है हमारे टू के अंदर सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा करना इनमें सब माइनस माइनस ही मैं समझा दूंगा आप एक्स्ट्रा कोई नहीं करेगा काफ़ी बच्चे देखे मैंने जो एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं सब में माइनस नहीं करना है बीच में कभी कभी एडिशन भी करना पड़ेगा तो मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको इंटरफेयर पहले नहीं करना है उसके अंदर ठीक है तो आज के लिए क्या है आज के लिए आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट करना है करना कैसे मैं आपको लिख के बता दूंगा ठीक है लिखने के देखो ऊपर ही करना एक काम और करना है आपको और ना अभी तक मैंने देखा है एक्सरसाइज लगाओ कौन सी है ठीक है एक्सरसाइज कौन सी है देखो तो मैं बता दूँ आपको ये अपना एक्सरसाइज है ये टू पॉइंट फोर है तो ये टू पॉइंट थ्री है है ना एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री क्लास वर्क डेट डे दे, जो भी आप लगाते हो है ना जनरली हम अपने इस्कूल में, में वर्क कैसे करते हैं सिस्टमेटिक करते हैं ना पूरा वैसा है करना है तो ये आपका फेयर वर्क है तो आपको इसको भी अच्छे हैंडराइटिंग से करना है ओके तो ये अपना हो गया कंप्लीट आज के लिए काफ़ी है आंसर्स दोनों के लिखे मैं आपको सेंड कर दूंगा उनको देख के अच्छे से करना है और देखने के बाद में भी, भी अगर मिस्टेक कर रहे हो तो बेटा फिर ये आपके ना बहुत बड़ी मिस्टेक है फिर ठीक है उसके अंदर मैं तो क्या कर सकता हूँ बताऊँ आप देख के भी गलत लिखोगे नर्सि क्लास के बच्चे तो है नहीं बड़े हैं ना तो फिर आप इजीली उसको कर सकते हो तो और लास्ट के अंदर मैं बता दूँ अपने जो स्कूल का चैनल बना हुआ है ठीक है जहाँ पर आपको थोड़े दिन के बाद में अपने जो स्कूल के डांस वगैरह है जितने भी फंक्शन हुए ना चाहे वो रिपब्लिक डे हो चाहे टीचर्स डे हो तो उसके डांस के वीडियो भी आपको मिलेंगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ठीक है सारे बच्चों को सब्सक्राइब करना है और जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छा लगा ठीक है तो इसको लाइक भी जरूर करें ठीक है और किसी और को शेयर करना तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर तब तक के लिए गुड बाय स्टे होम कीप लर्निंग एंड बाय बाय